एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास थर्ड की ईवीएस वर्कशीट। देखिए पीरियोडिक टेस्ट जो है शुरू हो चुके हैं हमारे यूटी वन। सो आज के इस वर्कशीट में मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को इंक्लूड किया है। सबकी बुक में ये जो चैप्टर है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो मैंने वर्कशीट बनाई है उसमें जो चैप्टर मैंने इंक्लूड किया है वो है फैमिली, माय फैमिली, ठीक है, और सेकंड चैप्टर है माय स्वीट होम। सो इन दोनों चैप्टर को मैंने ध्यान में रखते हुए वर्कशीट बनाई है। आप भी इस तरह की वर्कशीट बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा एक तो रीड करेगा और वर्कशीट को सोल्व करेगा, तो उसको एग्जाम में हेल्प होगी, अच्छे से वो प्रिपेयर कर पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको सारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने रिलेटिव्स को, अगर आपका बच्चा थर्ड क्लास में है तो, ताकि उनको भी ये वर्कशीट हेल्पफुल रह सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट टी फोर टू एफ फोर फॉर स्टेटमेंट आ न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली। सो ये जो है स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। लर्निंग इन अ फैमिली इज सोरो, ये फोर्स है। फैमिली में हम बहुत कुछ सीखते हैं, कल्चर, रिचुअल्स, लव एंड रिस्पेक्ट, गुड मैनर्स। सो लर्निंग इज अ फैमिली इज जॉयफुल ना कि सोरो। अ गुड होम मेक अवर लाइफ रोस, सो ये भी फोर्स है। एक अच्छा घर जो है वो हमारी लाइफ को अच्छा बना देता है, हेल्दी बना देता है, कंफर्टेबल बना देता है। एवरी हाउस शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ये हमारा ट्रू है। सभी घर में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी का जो निकासी है वो। सनलाइट किल्स जर्म्स, ये भी सही है, जो सनलाइट है वो जर्म्स को मार देते हैं। ये हमारा जो चैप्टर सेकंड है होम, उससे रिलेटेड है कि जो हमारा घर कैसा होना चाहिए। सो जो हमारा घर है उसमें विंडोज हो, वेंटिलेशन हो, ताकि सूरज की धूप अच्छे से आ सके, उसमें एयर अच्छे से आ सके, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो। सो एक अच्छा घर जो हमारी लाइफ को हेल्दी और कंफर्टेबल बना देता है, ये उससे रिलेटेड ही है। ज्वाइंट फैमिली इज स्मॉल फैमिली, ये फोर्स है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली कैसी है, बिग फैमिली। नेक्स्ट है मॉस्किटो स्प्रेड डिजीज, सो यस, जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, वो बीमारियां, डेंगू मलेरिया, बहुत सारी जो डिजीज है वो फैला देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज, यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं और इनके हेल्प से हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। अब ब्लैंक फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली, सो न्यूक्लियर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है ना। ए अ हाउस शुड हैव प्रॉपर, अ हाउस शुड हैव प्रॉपर, क्या होना चाहिए हाउस में, प्रॉपर वेंटिलेशन। द ज्वाइंट फैमिली इज अ बिग फैमिली, वी टेक बाथ इन अ बाथरूम, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो स्प्रेड डिजीज ई, अ गुड होम मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल एंड हेल्दी, ये ऑप्शन आ जाएगा एफ, ठीक है। एक अच्छा घर हमारी लाइफ को क्या बना देता है, हेल्दी और कंफर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन वन वर्ड, जो हमें आंसर लिखना है वो एक वर्ड में लिखना है। सो फादर मदर, जो फादर की मदर है वो आपकी क्या होगी, ग्रैंड मदर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट, न्यू तो नहीं है लेकिन एक नई चीज बताना चाहती हूँ कि देखिए जैसे फादर की मदर हमारी ग्रैंड मदर होगी, ऐसे ही जो मदर की मदर है वो भी हमारी ग्रैंड मदर होगी। तो हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे, वो हम पता करेंगे पैटर्नल और मैटर्नल वर्ड से। अगर हम पैटर्नल बोलते हैं, पैटर्नल ग्रैंड मदर, इसका मतलब फादर की मदर, ठीक है। और अगर हम बोलते हैं मैटर्नल, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर, तो हम बोल रहे हैं मदर की माँ को, नानी को और दादी को, ठीक है। सो जितने भी हमारे फादर के रिलेशन होते हैं उन्हें हम कहेंगे पैटरनल, और जितने हमारी मदर के रिलेशन होते हैं उन्हें हम कहेंगे मैटरनल। सो फादर सिस्टर आंट होगी, लेकिन पैटरनल मैं पी लिख रही हूँ, कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ। फादर यंगर ब्रदर, अंकल पैटरनल अंकल, क्योंकि अगर मामा भी कहते हम तो वो इंग्लिश में अंकल ही आएगा लेकिन वो मैटरनल हो जाएगा। मदर सिस्टर हमारी आंट होगी लेकिन मैटरनल मासी। फादर ब्रदर्स चिल्ड्रन कजन, फादर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, पैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, पैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम। सो हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनके घर पे कैसे हेल्प करते हो। सबसे पहले हम क्या हेल्प कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की, वी कैन हेल्प इन वॉटरिंग द प्लांट, वी कैन हेल्प देम इन वॉटरिंग द प्लांट, ठीक है। हम प्लांट्स में जो है
पानी देने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। एंड सेकंड हम लिख सकते हैं वी कैन हेल्प देम इन क्लीनिंग, हम साफ सफाई में उनका ध्यान जो है मतलब मदद कर सकते हैं। व्हाट इज फैमिली, फैमिली क्या है, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, फैमिली क्या है, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, जो कि एक साथ रहते हैं, शेयरिंग द सेम कल्चर एंड लैंग्वेज, अगर हम बड़ा लिखना चाहे तो हम आगे भी लिख सकते हैं शेयरिंग द सेम लैंग्वेज एंड कल्चर, सर्विंग द नीड ऑफ फैमिली मेंबर विद लव केयर एंड रिस्पेक्ट, विद लव केयर एंड, ठीक है। सो फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टूगेदर, जो एक साथ रहते हैं, शेयरिंग द सेम लैंग्वेज एंड कल्चर एंड सर्विंग द नीड ऑफ फैमिली मेंबर, एक दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं प्यार के साथ, सम्मान के साथ और केयर के साथ। सेम टू रूम ऑफ अ होम, सो स्टडी रूम, बाथरूम, आप किचन भी लिख सकते हो, ड्राइंग रूम भी लिख सकते हो, ठीक है। नेम टू पेट एनिमल, डॉग एंड कैट। व्हाट डू यू मीन बाय होम, अ हाउस इन विच वी लिव टुगेदर, वी लिव टुगेदर विद फैमिली, अ हाउस इन विच वी लिव टुगेदर विद फैमिली इज कॉल्ड होम, घर हम किसको कहेंगे, अ हाउस, उस हाउस को जिसमें हम एक साथ इकट्ठे रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, उसे हम कहेंगे घर। हाउ कैन यू हेल्प योर पेरेंट्स इन क्लीनिंग, क्लीनिंग में आप अपने पेरेंट्स की कैसे हेल्प कर सकते हो, तो पहले हम कर सकते हैं वी कैन स्वीप द फ्लोर, हम स्वीप कर सकते हैं यानी कि झाड़ू लगा सकते हैं, फिर हम पोछा भी लगा सकते हैं, वी कैन मोप द फ्लोर, और थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन पुट गार्बेज इन द डस्टबिन, है ना, वी कैन पुट गार्बेज इन द डस्टबिन। सो इस तरीके से हम अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। सो आज के इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही, होप यू लाइक द वीडियो और मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।